करण और वृंदा की बात सुनी काव्या ने। जी हाँ वेल दोस्तों, आने वाला एपिसोड आपको बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलेगा कुंडली भाग्य का, और साथ ही साथ आपको ट्विस्ट भरा भी देखने को मिलेगा अपकमिंग एपिसोड। और वही एक तरफ आपको अपकमिंग एपिसोड के देखने को मिलेगा कि फाइनली करण और वृंदा की बात सुनी है काव्या ने। जी हाँ वेल दोस्तों, यानी कि आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली करण और वृंदा बात कर रहे होते हैं, और वही पर जो करण होते हैं वृंदा को बोल रहा होता है कि कई बार भगवान दो रास्ते नहीं दिखाते हैं, जी हाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ते दिखाते हैं, और वो एक रास्ता ये है कि मैं अंशुमन पांडे को सारी की सारी प्रॉपर्टी दे दूं और हम अपने बच्चों को वापस घर ले आए। जी हाँ, और वही त्रिपा को देखने को मिलेगा कि जो प्रीता होती है ये बात सुनकर एकदम चौंक जाती है। जी हाँ, वेल करण को भी ये बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा होता है, और वही त्रिपा को देखने को मिलेगा जो काव्या होती है वो करण और प्रीता दोनों की बातें सुन रही होती है। जी हाँ, वो ये सुन रही होती है कि करण अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। जी हाँ, वेल अब देखते हैं क्या होता है अपकमिंग एपिसोड के अंदर, क्या प्रीता करण की प्रॉपर्टी जाने देगी। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है अपकमिंग एपिसोड के अंदर, तो ये आप में कमेंट करके बता सकते हो। वेल वैसे आने वाला एपिसोड आपको बहुत ही देखने को मिलेगा कुंडली भाग्य का। वेल अब देखते हैं क्या होता है अपकमिंग एपिसोड के अंदर, प्रीता कैसे बचाती है करण की प्रॉपर्टी, कैसे उसको बेघर होने से बचाएगी। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है और भी अपकमिंग एपिसोड के अंदर, तो ये आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हो। ऐसे ही कुंडली भाग्य के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। सो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी देखने वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। पर हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और किस टाइप का क्यूरी मेरा हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो और लाइक करना मत भूलना। सो बाय।